नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। नववर्ष का तीसरा दिन है और देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी का दिन भी है। आपको बता दें कि DCGI ने आज 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। हमारे देश के पास अब कोरोना वैक्सीन रहेंगी और इसका जो लगातार जो जारी किया जाएगा, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा, वो फर्स्ट फेज में आपको बता दूं कि पहले फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन किया जाएगा, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ जो कोरोना वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स जो उसमें आते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन सामने आएगी। इस पर मेरे साथ भारती भी हैं। भारती, आज देश के लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम दिन है। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग चल रही थी उसमें आज भारत एक कदम आगे बढ़ चुका है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अब कहीं ना कहीं स्टार्ट होने जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? काविंद जी, न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम दिन है, इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से अगर कोई वैक्सीन अप्रूव हुई है और अब उसका ट्रायल हालांकि अब वो पूरी तरीके से सबके लिए अब हो गई है कि अब सबको वैक्सीन लग सकती है, तो ऐसे में न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जो है इसका इंतजार करेगी कि जल्दी से जल्दी जो है इसका सपोर्ट भी होना शुरू हो और जितनी जल्दी हो सकता है वो पूरी दुनिया में ये वैक्सीन पहुंचे और सभी लोगों को राहत मिले, क्योंकि इसका इंतजार एक लंबे वक्त से सब लोग कर रहे थे और हर दिन जो है वो घुट घुट के जो मरने वाली एक स्थिति थी वो शायद अब इससे सही हो जाएगी। बिल्कुल भारती, अगर आंकड़ों की बात करें तो 1.03 करोड़ कोरोना के केसेस अब तक सामने आए हैं, जिसमें कि 99 लाख लोग जो है वो अभी तक रिकवर हो चुके हैं। वहीं आपको बता दूं 1.4 लाख लोगों की डेथ भी हो चुकी है। इतनी बड़ी महामारी के बीच भारत इतनी जल्दी वैक्सीन बना लेता है और ये कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत बड़ी जंग थी जिसको लड़ने में भारत ने जिस तरीके से तेजी दिखाई और भारत एक कदम आगे बढ़ा और इसके खिलाफ जो आज खड़ा है बहुत मजबूत स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं ये जो बाकी देश हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाता है कि भारत अब कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे साइंस की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, भारत हर जगह अब एक सुपर पावर की तरह निकल कर सामने आ रहा है। वैक्सीन की अगर बात करें तो 2 वैक्सीन है। पहली वैक्सीन है जो कि कोवैक्सीन है, जिसको कि भारत बायोटेक ने जिसको कि बनाया है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसके बाद दूसरी जो है वो कोविशील्ड है, जिसको सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है। दोनों कंपनियों को भारत के DCGI ने अप्रूव कर दिया है, इसको अप्रूवल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया। आपको बता दूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DCGI के जो चेयरमैन है डॉक्टर वेणुगोपाल स्वामानी ने, उन्होंने बताया कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। अब सिर्फ औपचारिकता भर बाकी रह गई है, अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई है, मंजूरी दे दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है। पूरा प्रोग्राम देखा जाएगा कि किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और किस तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है उस तरह को चलना है। आपको बता दूं कि ड्राई रन भी कल दिल्ली में जिस तरीके से ड्राई रन चलाया गया, उस बाकी तमाम पूरे देश में भी ड्राई रन चलाया गया, ये जानने के लिए कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, किस तरीके से वैक्सीन लोगों तक पहुंचाएंगे। इसमें आपको बता दूं कि 116 डिस्ट्रिक्ट के 259 प्लेसेस में ये जो ड्राई रन था ये चलाया गया था, जिससे कि ये समझने की कोशिश की गई कि इतने बड़े देश में हम वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। हालांकि फर्स्ट फेज को लेकर बिल्कुल क्लियर किया कहा गया है कि फर्स्ट फेज में जो 1 करोड़ लोग पहले जो वैक्सीन किए जाएंगे, जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, वो हेल्थ वर्कर्स होंगे और उसके साथ ही 2 करोड़ लोग जो कि आपको बता दूं कि कोरोना वॉरियर्स हैं और जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 3 करोड़ लोगों तक फर्स्ट फेज में आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन का जितना भी प्रोसेस है वो चलेगा। इसके बाद जो लोग हैं उनको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि किस तरीके से उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन पहले जो 3 करोड़ लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम में जो हिस्सा लेंगे उनको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम हो जाता है काविंद जी, क्योंकि वैक्सीन तो आ गई लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, तो एक प्रोसेस जो है वो एक हायरार्की फॉलो होना बहुत जरूरी है। उससे इससे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो लोग पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आपने बताया और मेडिकल के जो लोग हैं उन लोगों तक ये पहुंचेगी, तो क्योंकि वो लोग सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। पैरामिलिट्री के जो लोग हैं ये लोग सबसे ज्यादा टच में जो है वो चीज इन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके टच में आते हैं, तो ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि पहले उन्हें वो वैक्सीन मिले उसके बाद बाकी लोगों को मिले। तो एक हायरार्की बनाना और एक पूरा एक प्रोसेस तैयार करना ये बहुत अहम हो जाता है और ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है अगर इस तरीके से ये पूरी फॉलो की जाएगी, और बहुत ज़रूरी है कि ये फॉलो करवाई जाए, क्योंकि जब जितनी जल्दी जो है ये तमाम पूरी वैक्सीन जो है वो पूरे देश में जाएगी उतनी जल्दी जो है वो न्यूजीलैंड की तरह हमारा देश भी कोरोना मुक्त हो पाएगा, तो ये बहुत अहम हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए भारत में जो भारत ने मैसेज दिया है आज, जिस तरीके से 2 वैक्सीन आई है, पूरे देश की इस पर निगाह थी। आपको बता दूं कि WHO ने भी इसका स्वागत किया है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, हम जो जंग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कल जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, वो कैमरा के सामने आए और उन्होंने बताया कि इसको लेकर तमाम तरह की बातें भी जो है र्यूमर्स फैलने की भी स्थिति बन सकती है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है, वो सिर्फ अफवाह महज है, क्योंकि सारी सिक्योरिटीज का ध्यान रखा गया है, जितनी भी चीजें हो सकती हैं इसको 100
110% सेफ बताया गया है। कहा गया है कि जितनी भी इमरजेंसी यूज के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ये इमरजेंसी यूज के लिए आई है सामने, जो भी वैक्सीन हैं दो जिनको अप्रूव किया गया है और ये पूरी तरह से सेफ है, इनको लेकर लोगों को मन में कोई भी अफवाह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, इसकी सेफ्टी की गारंटी खुद स्वास्थ्य मंत्री ने दी। बिल्कुल, लेकिन काविन जी इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरजेंसी यूज का आपने वर्ड यूज किया, एक फेज यूज किया, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, इमरजेंसी यूज का मतलब ये होता है कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसको अगर हम लोग ट्रेडिशनल टाइप से देखते हैं तो उसको 8 से 10 साल लग जाते हैं एक वैक्सीन को बनने में, लेकिन क्योंकि महामारी जो थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और ये बहुत ज्यादा फैटल टाइप की थी, इससे डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए जो फेजेस थे, जो ट्रायल्स थे, जैसे कि पहले ट्रायल्स क्या होते थे कि फर्स्ट ट्रायल होता था, फिर सेकंड ट्रायल होता था, फिर थर्ड ट्रायल होता था, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, इस सब पूरे प्रोसेस में 8 से 10 साल का समय जाया होता था। इस बार क्या किया गया कि फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल और थर्ड ट्रायल, इन तीनों ट्रायल्स को एक तरीके से पैरेलल वे में किया गया। फर्स्ट ट्रायल जैसे कि जो एनिमल्स पर ट्रायल्स होता है, फिर सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, इन तीनों ट्रायल्स को साथ ही क्लिनिकल ट्रायल को एक पैरेलल वे में किया गया, सभी को साथ लेके किया गया और जो भी वैक्सीन निकलकर सामने आई है वो केवल इमरजेंसी यूज के लिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये वैक्सीन जो है अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगाई जाएगी। इस वैक्सीन पर आगे चल के जैसे अभी दो वैक्सीन को मान्यता मिली है भारत में और बाकी दो दूसरे देश हैं, यूएस की बात करें तो वहां पर 4G है, तो इन लोगों को जो मान्यता मिली है ये आगे जाके आने वाले 5-7 सालों में ये चीज साफ आएगी कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है। अभी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है इस पर बात नहीं हुई है, अभी ये देखा गया है कि हम लोगों ने वैक्सीन के ट्रायल्स किए, जो ट्रायल सबसे ज्यादा सफल रहा उस वैक्सीन को भारत में अप्रूव किया गया है, लेकिन सेफ्टी और बाकी तमाम चीजें अभी तक इस पर पूरा पैरामीटर जो है, स्टैंडर्ड्स जो है वहां तक नहीं पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में अभी 6 से 7 साल का समय लग सकता है, लेकिन फिलहाल ये जो है लोगों के लिए बहुत सेफ है, इसके लिए बताया गया है कि इमरजेंसी वर्ड यूज किया जाता है। जी बिल्कुल, और दर्शकों को बता दें कि SEC ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए जो है वो DCGI को कहा था और उनसे अप्रूवल मांगा था और उसके बाद आज 3 तारीख को जो है अप्रूवल मिल गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो है दूसरी खुशखबरी है, क्योंकि पहली खुशखबरी यही थी कि UNSC में भारत जो है वह अस्थाई सदस्य बन गया था, तो ऐसे में अब दूसरी खुशखबरी देश को मिली है और उम्मीद की जा रही है कि 2021 में अब और खुशखबरी जो है मिले और जिस तरीके से 2020 में तमाम परेशानियां जो है वो देश ने, दुनिया ने झेली हैं, जो लगता है कि उसका कहीं ना कहीं हालांकि रिकवर तो नहीं कर पाएंगे उस हिसाब से, उसके ऊपर कवर अप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद जरूर है कि कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल भारती, ये देश के लिए बहुत अहम दिन है और बहुत बड़ा दिन है। आपको बता दूं कि जो बाकी देशों की अगर बात करता हूं मैं, बाकी देशों में क्योंकि पहले ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, US की बात करूं तो 4.2 मिलियन जो लोग हैं वो वहां पर उनको वैक्सीन लगा भी दी गई है, लेकिन भारत ने जितनी तेजी दिखाई है, भारत ने जिस तरह से, क्योंकि दोनों जो वैक्सीन है हम लोग बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों जो वैक्सीन है वो मेड इन इंडिया है, दोनों ही एक पुणे से बनाई गई है तो एक हैदराबाद से आई है, दोनों वैक्सीन का भारत में होना, भारत में ही इसका उत्पादन होना और भारत में ही वैक्सीनेट का प्रोग्राम होना, ये कहीं ना कहीं चीजों को बहुत ज्यादा कंफर्ट कर देता है, कंफर्ट जोन में लाता है, कंफर्टेबल कर देता है चीजों को, क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते फिर यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाते तो कहीं ना कहीं तमाम मुश्किलें सामने आ सकती हैं। हम किसी पर नहीं है तो हम अपने हिसाब से जो है वो चीजें कर सकते हैं, हम वैक्सीन को जो है वो अपने हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो ये बहुत अहम हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में इस वैक्सीन को रखने की बात कही गई है, तो बहुत अहम हो जाएगा कि इस टेम्परेचर में ये वैक्सीन रखी जाए, लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और उसके बाद इस पूरी बीमारी से, पूरी महामारी से जो है वो लोगों को बचाने का प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाए। हालांकि आपको बता दें कि ये पूरा जो प्रोसीजर है वो करीब करीब जो है 25,800 लोगों के ऊपर ट्रायल की बात जो है वो कही जा रही है, जिसमें 22,500 लोगों के ऊपर ये ट्रायल किया जा चुका है और अब कितना जो है इस ट्रायल को, कितना इसकी पूरी एक स्टडी होनी बहुत जरूरी है, जब ये पूरा ट्रायल हो जाएगा उसके बाद एक स्टडी होगी जिसके बाद जो है इसका इसकी और बाकी चीजें जो है प्रोज और कॉन्स जो है निकल कर आएंगे। लेकिन जहां तक हम इसकी बात करें तो इसमें जरूर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे, कुछ इफेक्ट्स जो होंगे, जो साइड इफेक्ट्स जिसे हम कहते हैं वो होंगे, तो वो भी उस पर भी मैं चाहती हूं कि आप कुछ दर्शकों को बताएं ताकि जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है, चीजें अब नई नई निकल के आ रही है क्योंकि जैसे ही वैक्सीन का अप्रूवल आया वैसे ही भ्रांतियां भी शुरू हो गई, तमाम चीजें शुरू हो गई, तो ऐसे में क्या कुछ साइड इफेक्ट्स भी इसके हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कोरोना वैक्सीन जैसी देश में आती है, ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन इसके साथ ही राजनीति भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर चीज में कोई भी बड़ा मुद्दा होता है वहां पर राजनीति जो है वो पहले पायदान पर आकर अपना खेल शुरू कर देती है। ऐसा ही वैक्सीन के साथ भी हो रहा है, वैक्सीन जैसे ही लॉन्च हुई, जैसे ही वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है, वैसे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं तमाम तरह के सवाल खड़े कर देती हैं, वैज्ञानिकों पर सीधे सवाल नहीं कर रही, वो सरकारों पर सवाल कर रही है,
लेकिन उनके पीछे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक सीधे निकलकर सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, हम पर भरोसा करिए, ये जो वैक्सीन हैं 110% सेफ हैं और इनको पूरा जो एक स्टैंडर्ड जो होता है उनका, उनके तरफ मेंटेन किया गया है, उसमें देखा गया है कि पूरी सेफ है। आपको बता दूं कि जब पोलियो का जब टीका आया था तब भी देश में इसी तरह की बातें हुई थी कि साइड इफेक्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, डेथ्स की भी हो सकता है, लेकिन वो जो भ्रांतियां जो देश में फैलती हैं वो हमेशा फैलती हैं, इस तरह की बातें आती हैं, कई लोग हैं जो इस तरीके की अफवाहों को भी फैलाते हैं, तो इस बार इस टीके के साथ भी कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें कल जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री ने इस चीज को बहुत क्लियर किया कि ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा चेक करके फिर आगे इस वैक्सीन को बढ़ाया गया है। साथ ही अगर जो तमाम बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी अगर हम बातों को घोल मोल के निकालते हैं तो ये निकलकर सामने आता है, साइंटिस्ट ने बताया कि वैक्सीन को लगाने के बाद हल्का बुखार या हल्का सरदर्द हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ है और 100% इनको जो है पूरा जांच परख कर ही आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक आपने वैक्सीन के बारे में तो बताया, लेकिन आपने पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक अलग रुख जो है वो देखने को मिल रहा है और अलग तरीके से जो है वो उसके ऊपर अपने बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव का बयान आपने जरूर सुना होगा, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आप अपनी टिप्पणी जरूर दें। देखिए, अखिलेश यादव की बात करूं तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शनिवार को, और शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि ये जो वैक्सीन है ये दरअसल वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है और ये बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे, उनको डर है कि बीजेपी की जो वैक्सीन है उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगाएंगे। ये एक बहुत कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है, क्योंकि जब पूरा देश और पूरा विश्व जब वैक्सीन का प्रतीक्षा कर रहा है, जब वैक्सीन का इंतजार कर रहा है, तब एक बड़े नेता का इस तरह से बयान आना, ये देश के लिए कहीं ना कहीं सरकारी जो ये राजनीति है इस पर कहीं ना कहीं एक बताता है कि राजनीति कितनी ऊपर बढ़ चुकी है। साथ ही इससे जो खतरा पैदा होता है वो ये है, अखिलेश एक बड़े नेता है, जब अखिलेश इस तरह की बातें करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं तक भी मैसेज पहुंचता है, उनके कार्यकर्ता भी अगर खड़े हो जाते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो डर तो वहीं का वहीं बना रहेगा, डर खत्म नहीं होगा, डर वहीं का वहीं बना रहेगा। आपको बता दूं कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया, उन्होंने कहा ये जो वैक्सीन है अगर इसको हम लगवाएंगे तो हमें डर है कि हमारी मौत भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि वो 50-60 लोगों के सामने खड़े होकर ये बात कह रहे थे और ये मैसेज उनका उस सिटी में जहां पर वो बात कह रहे हैं वहां पहुंचेगा, वहां के लोगों का अगर ये डर लोगों में हो जाएगा कि इस वैक्सीन को लगाने से डेथ भी हो सकती है, इस वैक्सीन के इतने बड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो मेरी नजर में राजनेताओं को इन चीजों से बचना चाहिए, राजनेताओं को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो कि जनता के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा करती हो और उनके मूड को बदल देती हो, जिससे देश में सबसे बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब जो ऐसे इलाके हैं, जो ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां पर वैक्सीन पहुंचने में वक्त लगेगा, उसे लेकर भी जो है वो जिम्मेदारियां ले रहे हैं, मंत्रालय ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि करीब 20 मंत्रालय और 23 विभाग जो हैं वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, और वो किस तरीके से इस पूरी वैक्सीन के जो प्रकरण हैं, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जिस तरीके से इस वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस चलेगा, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और पूरा जो हायरार्की है वो मेंटेन की जाएगी। जी बिल्कुल, 340 दिन बाद जो हमारी कोरोना से जो जंग शुरू हुई थी उस पर अब जो लड़ाई चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, ये लड़ाई कहीं ना कहीं हम जीतते हुए दिख रहे हैं, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें अप्रूवल जब मिल जाता है, अप्रूवल अगर कर दिया गया है DCGI की तरफ से, आपको बता दूं कि 2 वैक्सीन का अप्रूवल किया गया है इमरजेंसी यूज के लिए, इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट होगा ही होगा, अब बस सिर्फ औपचारिकताएं भर रह गई हैं, जैसे कि साइन परचेज एक एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा जो कंपनीज हैं, जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं, जैसे कि आपको बताऊं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, इनके साथ एक साइन परचेज एग्रीमेंट साइन होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, इसके बाद वैक्सीन लेगी और जो पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चलेगा, जिसको लेकर ड्राई रन भी किया गया, और लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, हर लोग तक उन वैक्सीन पहुंचाई जाएगी जिन तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। वैक्सीन जैसे कि हमारे देश में जैसे चुनाव होते हैं फेजेस वाइज, वैसे ही वैक्सीन का भी जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलेगा वो भी पूरा फेजेस वाइज चलेगा। फर्स्ट फेज की बात करूं तो फर्स्ट फेज में जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर 2 करोड़ जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तो ये वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम है इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, अप्रूवल भी मिल चुका है, अब बस ये देखना होगा कि कैसे कैसे हम लोग वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ शायद पहले से ही इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, स्पष्ट हैं, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति से देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो प्रबल होगा और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। तो ये दर्शकों को
जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस वैक्सीन के बनने के पूरे प्रोसेस में बड़े बड़े विशेषज्ञ जो है वो जुड़े रहे, बड़े बड़े वैज्ञानिक जुड़े रहे, तो ऐसे में ये भ्रांतियां जो फैल रही हैं कि इससे ये परेशानी होगी या कोई और परेशानी होगी, इस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद देश के जो मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वैज्ञानिक हैं, वो सभी ये बात इस बात की गारंटी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि 110% जो है ये पूरी वैक्सीन सेफ है। तो ये थी कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम जानकारियां, जिस पर मेरे साथ जुड़ी हुई थी मेरी सहयोगी भारती सिंह। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।